तो जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, यदि आप गूगल पे एप्लीकेशन यूज करते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा। बहुत सारे लोगों का सवाल ये भी रहता है कि हमारा पैसा कट जाता है और कब आएगा, क्या है, जो भी प्रॉब्लम है आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। तो भाई आप लोग मेरे चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लेना और चलते हैं सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। तो बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है, बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि सर जो मेरा पैसा है वो कट गया है, कब आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपका पैसा क्यों कटता है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है। हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा आपका पैसा क्यों कटता है, यानी आपका जो पैसा है कहीं भी भेजते हैं तो आपके अकाउंट से पैसा कट जाता है, उनके में नहीं पहुंच पाता है जिनके में आपने भेजा है, और आपका पैसा ट्रांजेक्शन फेल्ड बता देता है। तो भाई ये क्यों होता है, तो सबसे पहले आपको जानना है क्योंकि आपका जो नेटवर्क है वो अच्छी तरह से नहीं चलता है। यदि आपका स्लो नेटवर्क है यानी नेटवर्किंग प्रॉब्लम है, तो आपका जो भी आप पैसा भेजेंगे या रिचार्ज करेंगे तो आपका पैसा आपके अकाउंट से कट जाता है और आपका रिचार्ज जो है फेल्ड हो जाता है। ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो आपका ट्रांजेक्शन जो है फेल्ड हो जाता है, उनके पास पैसा नहीं पहुंच पाता है जिनके में आपने भेजा है। तो सबसे बड़ी सवाल ये है कि आपको जब भी भेजना है किसी को तो आप अच्छे से नेटवर्क में हो तभी पैसा भेजिएगा। तो आप एक दो बार जो है चेक कर लीजिएगा कि मेरा नेट काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। तो दूसरी बात आपको ये है, यदि आप कोई भी एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, जैसे मान लीजिए गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, जो भी आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो आप अपडेट कर लीजिएगा। अपडेट करने के बाद कभी कभी ऐसा भी होता है आपका जो एप्लीकेशन है वो अपडेट नहीं रहता है, उसमें जो है प्रॉब्लम हो सकती है, हो जाती है। तो आपको सबसे पहले अपडेट कर लेना है, उसके बाद तभी जो है एक दूसरे को ट्रांसफर करना है। आप अच्छे नेटवर्क में रहें तभी ट्रांसफर करें। दोस्तों दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सवाल ये भी रहती है, यदि आपका पैसा कट जाता है तो आपका पैसा कब तक आएगा। तो मैं बता देना चाहता हूँ, यदि आपका पैसा फेल हुआ है तो 24 घंटे के अंदर क्लियर हो जाता है, यानी 22 से 23 घंटे में जो है आपका पैसा आपके खाते में रिटर्न आ जाता है। सबसे बड़ी सवाल ये है, यदि बहुत सारे लोगों का जो है पेमेंट प्रोसेसिंग में हो जाता है तो लोगों का कहना है कि हमारे बैंक में कब आएगा। तो सबसे पहले बता देना चाहता हूँ जिनको ये प्रॉब्लम है, यदि आपका पेमेंट प्रोसेसिंग में बताता है तो आप मान के चलिए 99% लोगों का जो पेमेंट है यानी पेमेंट का जो पैसा है प्रोसेसिंग वाला, 99% उन्हीं के खाते में जाएगा जिन पे आपने पैसा भेजा है। यदि आपका पैसा जो है फेल्ड नहीं बताता है, कुछ घंटे हो गए हैं, तो आप मान के चलिए 99% लोगों का पैसा उन्हीं के खाते में जाएगा जिन पे आपने भेजा है प्रोसेसिंग का पैसा। यदि फेल्ड हुआ है तो आपका फेल्ड वाला पैसा आपके सीधे अकाउंट में आएगा। फिलहाल दोस्तों इसका जो पूरा प्रोसेसिंग रहता है 2 से 3 दिन तक रहता है। आपको 2 से 3 दिन तक यदि आपका पैसा नहीं आता है 24 घंटे में, 2 से 3 दिन तक आपको वेट करना है। आपको वहां जो है नीचे शो करेगा, भाई आपको वहां नीचे शो करेगा, 2 से 3 दिन आप वेट करें। उसके बाद यदि पैसा 2 से 3 दिन के अंदर नहीं आता है यानी 24 से 48, 48 से 72 घंटे तक हो जाते हैं, तो आपको क्या करना है। तो भाई आपको क्या करना है, आपको सीधे गूगल पे कस्टमर केयर नंबर से बात करना पड़ेगा। भाई आपको गूगल पे एप्लीकेशन से एक नंबर निकालना पड़ेगा, तो गूगल पे कस्टमर केयर नंबर से आपको बात करना पड़ेगा, तभी जो है आपका पैसा आएगा। तो प्रयास दोस्तों इतना प्रोसेसिंग आप समझ गए होंगे। इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही, जो भी था मैंने आपको बता दिया है। इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही। जय हिंद।